आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर खगड़िया के अगवानी घाट के बीच बन रहे पुल के ध्वस्त होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने पुल गिरने का आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि इनका पुल बनाने वाले कंपनी से क्या संबंध है, पुल दूसरी बार गिरी है और अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, देखिए इस वीडियो में। पर जो पुल बन रहा था कल आप लोगों ने देखा, उसी में भेजा जो पूरी तरह 13 से लेकर 9 पिलर नंबर से लेकर 13 नंबर के पिलर तक पूरा पुल ध्वस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है इसके जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 के 21 फरवरी को खत्म हो जाएगा तब हटेगा इस पुल का शिलान्यास हुआ, और इस पुल के शिलान्यास में मैं वहां का स्थानीय विधायक स्वयं था, मैं स्थिति को जानता हूं पूरी तरह। आप ये बताइए कि इस पुल के गिरने के जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती है भारतीय जनता। 2014 में इसको स्वीकृत किया नीतीश कुमार जी, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री वही थे। जब ठेकेदार की बहाली की गई तब पथ निर्माण कौन मंत्री थे, ये भी आप लोग जानते हैं। 2015 के चुनाव के बाद फिर पथ निर्माण मंत्री कौन बने, ये भी आप जानते हैं। फिर सरकार बदली और सारी स्थिति की बीच में समीक्षा होते रही। नितिन नवीन जी जो माननीय मंत्री थे, इन्होंने पूरा एक टीम का गठन किया, IIT रुड़की और NIT पटना के संयुक्त टीम को इसमें जोड़ा गया। और जब ये आरोप लगा कि हवा के झोंके से पुल का स्लैब गिर गया तो पूरा एक टीम का गठन किया गया। 2022 के सितंबर अक्टूबर में सरकार को रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये बताया गया कि पुल के स्ट्रक्चर में, पुल में बहुत सी खामियां हैं। और जब रिपोर्ट में ये सारे चीजों का क्लियरिफिकेशन हमारे रिसर्च टीम ने दिया तो इसको फिर से शुरू करने वाला कौन है, ये काम शुरू कैसे कि बिहार में हो क्या रहा। बिहार की विकास की चर्चा होती थी, आज पुल ध्वस्त होने की चर्चा होगी। बिहार जहां पढ़ाई के लिए चिंता करता था, वहां पुल ध्वस्त होते हुए इंजीनियरिंग, पूरा इंजीनियरिंग फेल होते हुए दिख रहा। और बिहार में जब NIT के स्टूडेंट बिहार के मुख्यमंत्री हो, इंजीनियर मुख्यमंत्री हो, तब फिर यह स्थिति है। अब तो भगवान ही ने बचा सकता है बिहार को। इसलिए मेरा सरकार से सीधा आग्रह, आप कहें नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और इसकी जांच कराना चाहेंगे। जनता का पैसा लूटने किसी को नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस पूरे मामले की जांच कराना चाहती है, पूरी समीक्षा कराना चाहती है। और यदि दोषी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्री है उन तमाम लोगों के खिलाफ जांच की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें किन लोगों की संलिप्तता। क्या ये मेरा सीधा आरोप है नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि इनके सुपरविजन में, क्योंकि ये पथ निर्माण मंत्री 2014 में थे, इन्होंने ये डिजाइन फाइनल किया
तो ये डिजाइन कहां से आया, किस एजेंसी ने दिया और किस एजेंसी के माध्यम से ये पूरी चीजें हुई, तो ठेकेदार किसने बहाल किया ये जांच का विषय, एजेंसी और किस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार जी ने यह टेक्नोलॉजी अपनाया ये जांच का विषय, और इसमें जो पूरा खेल हुआ इसका भी जांच होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जितने राशि खर्चे हो गए हैं बिहार के लोगों का, इस पैसे को क्या अपने निजी कोष से जमा करेंगे? धन्यवाद करना चाहिए। और मैंने तो जांच का ही मांग किया है कि नीतीश कुमार की सरकार उच्च न्यायालय के माध्यम से या सीबीआई से जांच कराए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप पर नीतीश कुमार आज बहुत गर्म थे, उन्होंने कहा कि आपको तो उन्होंने सफलता से चुनाव जिताया है, उनको क्या, उनको फिर यादाश्त लगता है गड़बड़ा गया। स्वाभाविक है, हमको लग रहा हो, आप लोग देख रहे होंगे तो हमको सेंस है कि नहीं पता चल रहा होगा, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर क्या बोलूं, लेकिन हमको लगता है फिर मेमोरी उनकी लॉस हो गई। इसलिए कहा मैंने मेमोरी लॉस कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार सरकार में मंत्री हो गया था, समझ गए, वो पहली बार 7 दिन के लिए टेम्पररी आए थे, उसके पहले मंत्री हो गए थे। हमको हटाने के लिए नीतीश कुमार कहां क्या क्या पापड़ बेलते हैं तो सब दिन उनकी आदत रही है, सब पूरा बिहार जानता है कि हमको चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए क्या क्या करते रहे। और जहां तक नीतीश बाबू का चर्चा किया कि मैं आपने किया कि प्रवक्ता से उन्होंने जिताया, तो आपको सिर्फ जानकारी दे देते हैं, मैं उनके खिलाफ जीत कर आया हूं, मैं उनके पक्ष में कभी चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि लड़ने ही नहीं दिया। मैं 2000 में भी जीत के आया उनके खिलाफ, 2010 में भी उनके खिलाफ जीत कर आया, और मैं तो एकदम बता रहा हूं इतिहास साक्षी है, नीतीश कुमार जी समता पार्टी के भी विरोधी थे, मेरी माता जी समता पार्टी से चुनाव लड़ रही, समता पार्टी में रहकर रेल मंत्री रहकर मेरे मां के खिलाफ वो चुनाव में विरोध कर रहे थे, और मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, हमको बताने की जरूरत नहीं, 28 साल हो गया नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जेल गया, और जब 95 का चुनाव खत्म हुआ था ना तो नीतीश कुमार भाग के लालू जी के यहां जा रहे थे समता पार्टी छोड़ के, लालू जी ने कहा कि अब इसको लेने नहीं है। तो सब दिन हम लोगों को याद है नीतीश बाबू का, हमको पहले राजनीति में नहीं, मैं तो चौथी पांचवी बार सदन में जनता के आशीर्वाद से आया, और भाजपा का आशीर्वाद है नीतीश कुमार जी आपको एक एक जवाब दूंगा इसकी गारंटी देता हूं। धन्यवाद। आज के उप मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृति दी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने ठेकेदार बहाल किए। नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए कि उस ठेकेदार से इनका क्या संबंध है, क्योंकि पूरा पुल तीन तरह के डीपीआर बने थे साथी, एक 680 करोड़ का था जो सीधा प्रवक्ता की अगवानी से सीधा सुल्तानगंज देवगढ़ सड़क को टच कर रहा, और दूसरा ब्रिज का जो अलाइनमेंट था वो लगभग 1100 करोड़ का था जो प्रवक्ता के अगवानी घाट से सीधा मुंगेर रोड में मिलता था, और तीसरा 864 करोड़ का ब्रिज था जो सीधा भागलपुर के जाने के रास्ते में था। ये मैं ब्रिज का कॉस्ट बोल रहा हूं क्योंकि वो पूरा अलाइनमेंट है, पूरा जमीन अधिग्रहण का काम हुआ और अप्रोच का रोड काम हुआ, तो इन चीजों को पूरी तरह अध्ययन किया गया, सभी लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया, ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पे मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी के देख रेख में पूरा भ्रष्टाचार बिहार में बोलबाला कर रहा है, कोई दूसरा नहीं जानता, सिर्फ नीतीश कुमार जानता है।
और पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा है। ये पूरा भ्रष्टाचार नीतीश जी के चलते हो, और यही है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। विकास मॉडल पर नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। और वो आज क्या कहे, देखिए मैंने तो ये किया था, मैंने ये किया था। अब 18 साल हो गए भाई आपको मुख्यमंत्री जी, क्या पद गिना रहे हैं? विकास मॉडल यही है आपका, और आप इसके जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? और आप अपने ही सरकार को अपने जांच एजेंसी के लिए तय किया। ये पहला अनोखा सरकार है जो अपना जांच स्वयं कराना चाहती है। अरे भाई आपको जांच कराना है तो पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, तब तो दूध का और पानी का पानी होगा, ये तो सब लिपा पोती हो जाए। जिस तरह भारत सरकार ने थर्ड पार्टी को सीबीआई को दिया जांच के लिए,